तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर आज की स्मैकडाउन तो खत्म हो चुकी है, जहाँ पर हमने देखा कि भाई रोमन रेंग्स ने यहाँ पर पॉल हेमन को फायर कर दिया। मतलब इनकी जो स्टोरी लाइन चल रही, इनका मैच होने वाला है डे वन पेपर व्यू के अंदर ब्रॉक लेसनर के साथ में, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और WWE इनकी जो स्टोरी लाइन है वो भी यहाँ पर कितने सही तरीके से बिल्ड कर रही है, तो एकदम मज़ा सा आ रहा है स्मैकडाउन के अंदर। और आज का जो एपिसोड था वो भी यहाँ पर काफ़ी है ना बढ़िया था। और रोमन रिंग शो के ऊपर होते हैं तो शो तो वैसे ही काफ़ी है ना बढ़िया रहता है, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन का शो होने वाला है, यानी कि जो क्रिसमस स्पेशल एपिसोड होने वाला है, वो WWE ने यहाँ पर पहले से रिकॉर्ड करके रख लिया है और उसके यहाँ पर स्पॉयलर्स भी निकल के आ चुके हैं। और अगर आपको स्पॉयलर जानने हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देख सकते हो, वरना अगर आपको नहीं जानना तो आप यहीं पर इस वीडियो को छोड़ सकते हो। तो जो नेक्स्ट वीक के लिए मैच अनाउंस है, एक गॉन्टलेट मैच होने वाला है 12 मैन के बीच में, जहां पर जो भी इस मैच को जीतेगा उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस मैच को मैं आपको बता दूं, सैमी जेन जीत चुके हैं और इनका जो मैच है वो डे वन पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल कर दिया है, जहाँ पर डे वन के अंदर सैमी जेन और नाकामुरा का मैच होगा IC चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन के लिए वुमेंस चैंपियनशिप का मैच होने वाला है शार्लेट फेयर और टोनी स्टॉर्म के बीच में। इस मैच में यहाँ पर शार्लेट फेयर ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया, यानी कि रिटेन कर लिया, टोनी स्टॉर्म को उन्होंने यहाँ पर हरा दिया। तो टोनी स्टॉर्म के यहाँ पर जो फैंस है वो तो काफ़ी ना दुखी हुए होंगे कि यहाँ पर वो चैंपियन बन नहीं पाई, लेकिन इनका भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैच हमें डे वन के अंदर सारे रीमैच देखने को मिल जाएगा। और जो मेन इवेंट था यहाँ पर शो का, वो यहाँ पर था एक सिक्स मैन टैग टीम मैच, जहाँ पर न्यू डे और ड्रू मैकइंटायर फेस कर रहे थे यहाँ पर हैप्पी कॉर्बिन और उनके साथ थे उसोज, और यहाँ पर ये एक स्ट्रीक फाइट थी। तो इस टाइप का यहाँ पर हमने इनका मैच देखा और इस मैच को यहाँ पर न्यू डे और ड्रू मैकइंटायर की टीम ने जीत लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक का शो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। और WWE हम जानते हैं यहाँ पर हॉलीडे सीजन चलता है, तो सुपरस्टार को भी यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ दे देती है, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को पहले से रिकॉर्ड करके रख लिया। कमेंट करके बताना कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, पॉल हेमन और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन के बारे में आपका जो भी कहना है इन सारी अपडेट्स के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो गाइस फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।